है फ्रेंड्स, आप यूट्यूब के रोजेट हिंदी टीक चैनल पे मैं हूं अनुपम। बिना कोडिंग के ऐप्स बनाने वाली सीरीज की चौथी टिप्स मैं लेके आ गया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी ऐप्स में शेयरिंग बटन, प्ले स्टोर पर जो रेट दिया जाता है रेटिंग बटन, और मोर ऐप्स की बटन को कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए थंकेबल की वेबसाइट पर चलते हैं और जान लेते हैं कैसे पॉसिबल है। पिछली बार मैंने न्यूज़पेपर वाली ऐप्स के बारे में बताया था, तो आज मैं इसी में आपको बताऊंगा कि शेयरिंग या रेट बटन को कैसे लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं एक बटन ले लेता हूँ और इस बटन को सबसे नीचे मैं कर देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ से मैं कोई भी अरेंजमेंट ले लेता हूँ और इसके हाइट को मैं कर देता हूँ फिल। अब देख सकते हैं बटन नीचे आ गया है। अब इस बटन का टेक्स्ट मैं देता हूँ शेयर ऐप्स और इसके रिनेम कर देता हूँ मैं BTN। उसके बाद आपको एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो कि सोशल में है। यहाँ पे देख सकते हैं शेयरिंग का कंपोनेंट ड्रैग करके ड्रॉप कर लें। चलिए अब ब्लॉक में चलते हैं। ब्लॉक तो जैसे ही कोई शेयर बटन पे क्लिक करेगा तो उसके बाद यह शेयर मैसेज करेगा। यहाँ मैसेज हम लोगों को शेयर करवाना है तो शेयर मैसेज, तो क्या मैसेज शेयर करेगा इसमें जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख दें। मैं यहाँ लिख देता हूँ डाउनलोड ऐप्स फ्री। अब उसके बाद इस ऐप्स का लिंक आप यहाँ पर डाल दें। जैसे मान लीजिए आपने अपनी ऐप्स को प्ले स्टोर में पब्लिश कर दिया और आप अपने ऐप्स के प्ले स्टोर में जाएंगे तो ऊपर में जो भी लिंक है, अब एग्जांपल के लिए मैं प्ले स्टोर से किसी भी एक ऐप्स को यहाँ सर्च कर लिया हूँ और इसका मैं URL को कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं URL को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो बस शेयरिंग का सिस्टम आपके ऐप्स में आ चुका है। तो चलिए अब जानते हैं कि रेट बटन को कैसे लगाना है। तो मैं यहाँ पर एक और बटन ले लेता हूँ बटन, और एक काम करता हूँ मैं लेआउट में एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ले लेता हूँ और इसी में मैं इस दोनों को डाल देता हूँ और बटन इसका नेम चेंज करके मैं कर देता हूँ रेट ऐप्स। इसके टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ रेट ऐप्स। अब उसके बाद आपको एक और कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो कि कनेक्टिविटी में मिलेगा, एक्टिविटी स्टार्टर। ये हम लोग इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोगों को किसी और ऐप्स को स्टार्ट करवाना है, यानी कि प्ले स्टोर को स्टार्ट करवाना है, इसीलिए एक्टिविटी स्टार्टर लेना पड़ रहा है। और उसके बाद आपको एक्शन में टाइप करना है android.intent.action.view, व्यू जो कि कैपिटल में टाइप करें। और उसके बाद आप डाटा URN में आप अपनी ऐप्स के लिंक को यहाँ पे टाइप कर लें। जैसे कि मान लीजिए आपकी यह ऐप्स है न्यूज़पेपर ऑल पेज डाउनलोड करने वाली, तो इसका आप लिंक फिर से कॉपी कर ले। कंट्रोल सी कॉपी कर लिया और डाटा URI में मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अब चलिए ब्लॉक में चलते हैं। अब जैसे ही कोई रेट बटन पर क्लिक करेगा तो यह एक्टिविटी स्टार्टर को स्टार्ट कर देगा। और आप ठीक रेट बटन की तरह ही मोर ऐप्स का भी बटन लगा सकते हैं। मोर ऐप्स में आपको अपनी अकाउंट का लिंक वहां पे डालना पड़ेगा। चलिए अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो अब देख सकते हैं मैंने इस ऐप्स को ओपन कर लिया हूं और जैसे ही मैं शेयर ऐप्स पे ओके किया, आप देख सकते हैं शेयर के लिए ऑप्शन आ चुका है। आप यहाँ से इसके लिंक को भी कॉपी कर सकते हैं या नीचे आपको मैसेज व्हाट आदि ये सब की ऑप्शन मिल जाती है। चलिए मैं बैक आ जाता हूँ। अब चलिए उसके बाद मैं रेट बटन पर जैसे ओके किया, आप देख सकते हैं ऐप से डायरेक्ट यह प्ले स्टोर पर ले आया है उसी ऐप्स में जिस ऐप्स का मैंने लिंक डाला था। तो यहाँ पे आप अपनी ऐप्स का लिंक डालें और अपनी ऐप्स को यहाँ पे रेट करवा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई भी सवाल हो कोई सजा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब कर लें तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। इतना ही, बाय बाय।